आखिर किसकी छत्र छाया में फल फूल रहा ये अनोखा मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर संचालक जिला अस्पताल की दीवार की तरफ लगाकर खिड़की बेच रहा है महंगी दवाएं। अस्पताल परिसर में खिड़की लगाना कहीं सेटिंग गेटिंग का खेल तो नहीं, लोगों के बीच बना चर्चा का विषय। तो आइए देखते हैं राजकुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर के मदन मोहन नेत्र चिकित्सालय में वैसे तो तरह तरह के किस्से देखने और सुनने को मिलते हैं, पर ज़्यादातर का मकसद सिर्फ और सिर्फ अस्पताल आने वाले भोले भाले मरीजों को बहला फुसला कर लूटना ही होता है। यहाँ भी नहीं देखा जाता कि किसकी जेब में किसके पास रुपया पैसा होगा कि नहीं, सीधे साधे मरीज को देखना कि नहीं, उन्हें गंभीर बीमारी बता के और अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की खामियां बता कर लिख दी जाती हैं बाहर की महंगी दवाएं। बड़ी बात तो यह है कि दवा लिखने वाले ये भी नहीं सोचते कि अस्पताल आने वाले गरीब मरीज के पास वापसी का किराया बचा है कि नहीं, और चिकित्सक व स्टाफ को क्या लेना देना, उन्हें तो स्वयं की जेब से और उनकी कृपा दृष्टि से चल रहे मेडिकल स्टोर से मतलब है। जिला अस्पताल परिसर में स्थित मदन मोहन नेत्र चिकित्सालय में इस समय एक चिकित्सक द्वारा बखूबी बाहर की महंगी दवाएं लिखी जा रही हैं और चंद कदमों की दूरी पर स्थित मेडिकल स्टोर संचालक ने दवा बेचने का एक अनोखा तरीका भी निकाल रखा है। मेडिकल स्टोर संचालक ने अस्पताल परिसर की दो जर्जर दीवारों के पास एक खिड़की लगाकर दवा बेचने का काम शुरू कर रखा है। अब सवाल ये उठता है कि जब अस्पताल परिसर की पूरी दीवार बनाई गई तो इस खिड़की को क्यों नहीं बंद किया गया, और मेडिकल स्टोर संचालक को ये कैसे मालूम है कि उसके पास कौन सी दवाएं लेने मरीज आएंगे, क्योंकि हर दवा तो हर मेडिकल स्टोर वाला रखता है। हालांकि ये सब समझने के लिए ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, देखने मात्र से पूरा खेल समझ जाता है। वो अलग बात है कि जिम्मेदारों को ये सब अंधेर गर्दी नहीं दिखती। नाम व पहचान गुप्त रखने की शर्त पर अस्पताल के मेडिकल स्टाफ के कई लोगों का दबी जुबान कहना है कि ये सब सेटिंग गेटिंग का खेल है जिसमें छोटे से बड़े। जिला संवाददाता राजकुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट।